साथियों जय हिंद। साथियों आज हम इस लेक्चर में अपने डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे 6 नवंबर के। साथियों थोड़ा लेट हो गया, डेली स्कूल जाने के पहले 8 बजे पहले पढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी है और संडे होता है तो थोड़ा हमें स्कूल नहीं जाना था, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इंतजार करना पड़ा उसके लिए खेद है। आइए आज हम देखते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 6 नवंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। पहला क्वेश्चन है साथियों, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार हेतु नामित किया गया? तो पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थी? मनिका बत्रा को दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार। तो अब ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी होंगे जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। किसको नामित किया गया? शरद कमल को। शरद कमल, बहुत ही नौजवान खिलाड़ी हैं और इन्होंने बर्मिंघम में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण व 1 रजत पदक विजेता। तो बहुत ही महान खिलाड़ी है, इनको नामित किया गया है खेल रत्न पुरस्कार हेतु। इसके पहले मनिका बत्रा को एक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एक तैयब विक्रम को चुना गया है, पाकिस्तान के हैं तैयब विक्रम। ये जो हैं एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, तैयब विक्रम पाकिस्तान के हैं और क्या है एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ है, एशियाई हॉकी महासंघ हॉकी महासंघ के सीईओ प्रेजेंट में, तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है मेरा, देश के प्रथम मतदाता कौन बने थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है, अभी हाल ही में इन्होंने पोस्टल बैलेट से 34वीं बार मतदान किया था, 34th time। कहाँ के रहने वाले थे? किन्नौर में कल्पा है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कल्पा स्थान पे है, तो वहाँ के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो हुआ था ये आप समझ लीजिए, ये हुआ था इनका जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था, तो जुलाई 1917 के जन्म में थे और अब ये लगभग मतलब 105 साल पूरे कर चुके थे, 106 साल में पढ़ चुके थे, तो 105 वर्षीय थे। तो 1952 फरवरी में जो हमारे इलेक्शन होने वाले थे, तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में पहले करा लिए गए थे क्योंकि वहाँ हिमपात होता उस समय, तो हिमपात की आशंका को देखते हुए तो यहाँ पे इलेक्शन करा लिए गए थे सितंबर अक्टूबर 1951 में करा लिए गए। तो 25 अक्टूबर 1951 में इन्होंने अपना पहले मतदाता के रूप में, क्योंकि स्कूल के टीचर थे, इनको जाना था चुनाव कराने, तो ये अपने यहाँ पहुँच गए गांव में, पोलिंग पार्टी 6:15 बजे आ गई थी, उन्होंने कहा हमको अभी इलेक्शन करवाना है, तो इनका मतदान करा लिया गया, तो सबसे पहले मतदाता के रूप में इनका नाम दर्ज हो गया। तो कौन थे? श्याम शरण नेगी जी थे, श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
श्याम शरण नेगी 105 वर्षीय, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जिला किन्नौर, जिला किन्नौर। बाकी जानकारी हम आपको प्रदान कर चुके हैं इनके बारे में। क्वेश्चन फोर है, ट्रैक इंडिया कप 2022, ट्रैक इंडिया कप किससे संबंधित, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो किससे? साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइकिलिंग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पहली बार है नई दिल्ली के बाहर हो रहे हैं, वैसे नई दिल्ली में होता था आयोजन। कौन सा राज्य कर रहा है 2022 में आयोजन? केरल। इसमें दुनिया भर के 200 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं, 200 साइकिलिस्ट भाग लेंगे, साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट 200 साइकिलिस्ट भाग लेंगे। इसमें है इंडोनेशिया है, मलेशिया है आपका, चाइना है, कोरिया है, यहाँ के साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, साइकिल प्रतियोगिता होती है इसमें, तो इसकी मेजबानी केरल कर रहा है। फिर क्वेश्चन है नंबर 5 है हमारा, किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय का प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और कृषकों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, वन कटाव को रोकने के लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने दिव्यांग हस्तियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन लॉन्च किया, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, आयोजित किया? तो ये किसने किया? निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? निर्वाचन आयोग, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त कौन, एक अनूप चंद पांडे जी ने मिलके इसको कहाँ किया है? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया है, दिव्यांग हस्तियों का, दिव्यांग मतदाता को जागरूक करने के लिए, उनको अपना अधिकार, अपना मतदान, मतलब देश की विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। तो इस अवसर पर इन्होंने PWD ऐप 2 भी लॉन्च किया है, PWD ऐप 2 लॉन्च किया है। किसने मिलके? श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और अनूप चंद पांडे जी ने। किसे सेवेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अरुणा साई राम को, भारत की अरुणा साई राम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन्होंने, किसने दिया है? फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है, फ्रांस सरकार द्वारा। इनको गायन और फ्रांस, भारत और फ्रांस के संबंधों को मधुर बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, भारत और फ्रांस के संस्कृत को जोड़ने के लिए पुरस्कार, सेविलिया पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो हमारा मनाया जाता है, सुनामी क्या है वास्तव में दोस्तों? तो सुनामी एक जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है बंदरगाह की लहरें, जो पत्तन पर समुद्र किनारे समुद्र तटों पर जो लहरें आती हैं, विशाल का लहरें होती हैं जो किलोमीटरों ऊपर तक जाती हैं और अपने आगोश में बड़े बड़े
शहरों को ले लेती हैं। तो ये जो बहुत ही क्या है, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसमें आपका कब आया था सुनामी, ये बहुत भयंकर सुनामी एक आई थी, आपको याद होगा। तो उसकी उसमें बहुत देश, 14 देश प्रभावित हुए थे, 14 देश प्रभावित हुए थे। और तब फिर 2014 से महासभा द्वारा, जो यूनो की महासभा है आपकी, तो उसके द्वारा क्या मनाया जाता है, ये 2014 को 5 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस, जागरूकता दिवस, क्योंकि विश्व सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिससे कि जो हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय देश हैं, उनको इस प्रभाव से बचाया जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सुनामी आई थी उसमें सबसे ज्यादा कौन था, थाईलैंड को, थाईलैंड जिसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो ये जागरूकता दिवस 2014 से लगातार 5 नवंबर को मनाया जाता है, किसके द्वारा, जो था आपका जो यूएनओ है हमारा, तो उसके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो सारी संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन ही है, यूनाइटेड नेशंस जो है हमारा, उसके द्वारा, उसमें जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसने 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया था 5 नवंबर को, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि कैजुअलिटीज को, हानि को कम से कम किया जा सके और उसे बचाया जा सके। गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका कब से, 4 नवंबर को, 4 नवंबर को मनाया गया 2008 में, 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तब से ये गंगा उत्सव मनाया जाता है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। उसके बाद ये तब से ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन भी ये गठित किया गया प्राइवेट सोसाइटी द्वारा, एक सोसाइटी द्वारा, फिर उसमें सरकार का भी योगदान हुआ, तो उस सोसाइटी के माध्यम से गंगा की सफाई का अभियान शुरू हुआ। और ये गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और हमारे नदियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए उत्सव कहाँ मनाया गया, 4 नवंबर को नई दिल्ली में मनाया गया, और देश में कई राज्यों में इसका आयोजन किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएमआईई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी हो गई, बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर हो गई है, उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्च स्तर इन द सेंस, उच्च स्तर 7.77%, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़ गई, ग्रामीण बेरोजगारी 5.84 से कितने परसेंट हो गई, ये हो गई 8.04%, और शहरी, शहरी बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुई 7.7 से, कितना कम हुआ, 7.21%। तो इन दोनों का एवरेज मिला के उच्च स्तर 7.7% अक्टूबर में इतनी बेरोजगारी दर हो गई, जबकि सितंबर में 4 साल में निम्नतम स्तर पर थी। इसलिए इसका ये चिंताजनक स्तर है, बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, जबकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है और 75,000 लोगों को नए नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो साथियों ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद रखना, कौन करता है इसका बेरोजगारी, इसके आंकड़े कौन देता है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआईई इसके आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो साथियों ये रहे आज के हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका एक्सप्लेनेशन अवश्य देखिए, क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं होता है जितना इसलिए बताना पड़ता है, तो आप जो हम बोलते हैं उसको भी नोट डाउन कर रहे हैं कृपया, तो आपके 10 से 20 25 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा एक्सप्लेनेशन और देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या नोट डाउन कर लिया करिए,
हम प्रयास में लगे हैं कि आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करें। तो साथियों, हमारे कैलिबर अड्डा को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा हमारी 10 कदम सीरीज चलती है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के, वन डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन संग्रह है। वो 900 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, आप उसको जाके देखिए, विजिट करिए। टुडे ये डेली आप करंट अफेयर देखते रहिए। इसके अलावा कंपटीशन लेवल हिंदी की क्लासेस चल रहे हैं, साइकोलॉजी के चल रहे हैं, एकेडमिक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्लासेस चल रहे हैं। आप कैलिबर अड्डा विजिट करिए, आपका कैलिबर श्योर आपका इन्हेंस होगा, ये प्रॉमिस है आपसे। और आप अगर मेरे चैनल को सही पाते हैं, अच्छा लगे आपको, तो सब्सक्राइब करिए प्लीज, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, खुश रहिए, अपना लक्ष्य हासिल कीजिए, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद साथियों।